तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज काफ़ी खुश हूँ। मज़ा आता है जब आपके पास भी खुशी मिलती है। दोस्तों फार्मिंग के अंदर खुशी और कभी नाराज़गी ये होती रहती है। हमारे साथ काफ़ी हमने दिक्कतें का सामना किया है और हमने काफ़ी झेला है और काफ़ी कुछ 3 साल में लगभग सीखा है। अब हम लोगों ने इतना सीखा है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे फार्म पे अभी लगभग छः महीने से, तो मैं नहीं समझता कि किसी अन्य तरीका को या ऐसा बीमारी घटना घटी हो जो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू के गई हो। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारा फार्म इतना बढ़िया चल रहा है पहले से कि हमारा सभी चीज़ मैनेजमेंट और हर एक चीज़, जैसे चाहे मिल्किंग में हो, प्रेग्नेंट हो, हर एक चीज़ जो भी दिक्कतें थी वो हम लोगों ने काफ़ी फेस की और आज अच्छे दिन आए। क्या है अच्छा दिन, आज की इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमने लोगों को जानकारी हमारे फार्म के बारे में बताना। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम बछड़ियों से करेंगे। यहाँ पे हमारी बछड़ियों को देख पा रहे हैं जो 40-120 की है, और एक बछड़ी जो है इस बड़ी वाली गाय की है जो लगभग इसका 7 महीने के करीब में हो रहा होगा इस बछड़ी का, और इस बछड़ी का लगभग 3 से 4 महीने के करीब। थोड़ी वीक जरूर है, इन दोनों को थोड़ा फीवर आया था उस वजह से थोड़ा दिक्कत है, और ये थोड़ा खाने में थोड़ा स्लो है, वो आ जाएगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बहरहाल इन उसके बाद आते हैं भैंस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैंस वाले ने तो अच्छा बुड़बक समझ के बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अर्डर इतनी ग्रोथ में है, ऐसा लगता है कि लगभग 1 महीने और समय लेगी। बहरहाल जो भी हो, भैंस काफ़ी मजबूत देखने में मिल रहा होगा आपको, अच्छा वेट गेन ले लिए, अच्छी मोटी ताजी भी हो गई है, बहुत बढ़िया तैयार हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपके साथ अगर किसी तरह का कोई घटना घट रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं से उसको चुका देंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। दूसरी आपको यहाँ पे जो 40-116 की बछड़ी देख रहे हैं आप, ये हीट में आई थी, हो सकता है कि इस बार इंसेप्शन कर दिया जाए। लगभग 15 दिन हो गए हीट में आए हुए। तो अब हम बात करते हैं हमारी ये बछड़ी प्यारी सी, जो नीसू के घर से इसकी माँ को हमने ख़रीदे थे बछड़ी बच्चे के साथ में, जो लगभग 60,000 रुपये हमने पे किए थे और लगभग 3-4 हज़ार जो भाड़ा लगा था समथिंग। तो ये बछड़ी उसी टाइम की है और 1 साल प्लस की है, समथिंग दिसंबर को ही इसका 1 साल हो गया, यानी कि 12 और 6 18 महीने की लगभग करीब इसका 18 महीने कंप्लीट होने को हैं। और ये बछड़ी जो है 1 महीने की गाभिन है, 1 महीने नहीं सॉरी, ये बछड़ी जो है 10 तारीख को इंसेप्शन किया था और आज 5 तारीख है, तो लगभग 25 दिन कंप्लीट। अरे मारे घरे बदमाश, चलो ऐसे 25 दिन हो गए और ये दोबारा हीट में नहीं आई है, तो मज़ा आएगा जब इसके वो हम लोग बच्चा लेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, इसके अंदर हमने अंटारेस यानी कि वर्ल्ड वाइड शायर WWS का इंसेप्शन किया है, यानी सीमेन लगवाया है। तो इसका बॉडी वेट की बात करें तो समथिंग मैं समझता हूँ कि 350 प्लस है, 400 kg के करीब में होगा। चल पीछे से देखना चाहूँगा मैं, और खुशखबरी आपको आगे देते जाऊँ। यहाँ पे इसका ज्वाइन को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कन्फर्म प्रेग्नेंट है। बहरहाल 25 दिन में तो नहीं, लेकिन अगले 20 दिन में तो एकदम श्योर हो जाएगा, लेकिन हर 18 से 19 दिन में जो हीट में आने का इनका रेगुलर एक रूटीन बन चुका था लगभग 2-2.5 महीने से, वो ख़त्म हुआ और ये इस बार 25 दिन हो गए इंसेप्शन करके, ये दोबारा हीट में नहीं आई है। तो इससे कन्फर्म है हम लोग कि ये प्रेग्नेंट मान जाएगी। यहाँ पे इसका ऑर्डर की क्वालिटी देख पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बनाएगी, अभी तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बहरहाल अच्छा हाइट गेन भी लेगा, मेरे सीने के बराबर समथिंग अभी हो चुकी है ये। हाइट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बनाएगी, बहुत अच्छा ऑर्डर भी बनाएगी और हाइट भी अच्छी बनाएगी। चलते हैं दूसरी बछड़ी के पास, जो अब हम बात कर लें जिसको श्योर हो गए हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने PD नहीं कराया, यानी कि हाथ से डालकर चेक नहीं कराया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलो उठो, इससे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। चलो 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 चल देते, चल
तो ये बछड़ी सुजीत भाई के गाय के साथ आई थी, इसको भी लगभग समथिंग एक महीने का या 15 दिन का बड़ा छोटा इनका और इनका उम्र में हो रहा है दोनों का। कलर दोनों एक जैसा है लेकिन इसमें वाइटपन ज़्यादा है और ये श्योर प्रेग्नेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा आर्डर बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, पीछे से इसका भी दिखा दूँ। ये श्योर हो गई है, इसका हो गया है हम लोगों को 2 महीना हो जाएगा इस 15 तारीख को, यानी कि 10 दिन और बाद ये श्योर 2 महीने 60 दिन की हो जाएगी, यानी कि लगभग 50 दिन कंप्लीट हो गया। चल यहाँ पे इसका आर्डर देख सकते हैं, इसकी बनावट आप दोनों कमेंट जरूर करें कि किसकी ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी ज्वाइन को आप देख सकते हैं, ये देखें। अब प्रेग्नेंट अगर आपको 1 से 1.5 महीने में बछड़ी को पहचानना है या गाय को भी पहचानना है, मैं श्योर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट ज्वाइन जो है ना, ये ऐसा फैला रहेगा अगर प्रेग्नेंट नहीं रहेगी तो। अगर सीमेंट डालते हैं और ये ज्वाइन सूखना स्टार्ट हो गया 10 से 15 दिन के अंदर अंदर से, उसके बाद लगभग 3 महीने ये सूखता चला जाएगा और 3 महीने के बाद जो है वो फैलता चला जाता है। जैसे ये प्रेग्नेंट है लगभग 6 महीने की, तो अब ये फैल रही है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से देखें, ये फैल रही है। और 3 महीने के अंदर वाली जो प्रेग्नेंट होती है वो अंदर की ओर सिटकती है, कह सकते हैं हम लोग, मतलब सुकड़ती है यहाँ पे जिस हिसाब से हमने देखा। तो ये 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं इसकी बात करेंगे, उससे पहले एक ये उठ गई है तो इसको बता दूं, इसकी अक्टूबर में ब्यात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अडर बना रही है, इसको चलाऊंगा तो और ज़्यादा बढ़ेगी। चल ये देखें, देखिए बहुत प्यारी अडर इसकी भी बन रही है, नज़र नहीं लगनी चाहिए माशाल्लाह। और हाइट वेट की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, लगभग मेरे हिसाब से तो समथिंग 450 तक के पहुंचना चाहिए इसकी वजन, और हाइट आप खुद देख सकते हैं। अब दूध का अंदाज़ा पता नहीं कितना करेगी, वो तो सामने आएगा। इसकी अडर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे पसंद नहीं है, जो देख रहे हैं चारों एक जैसा चिटका हुआ और एक में थोड़ा सूजन स्वेलिंग होता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि आप नाक से निकाल दीजिए, तो इसका निकाला नहीं हूँ करके उसका थन बच रहा है, नहीं तो इसका दूध जो है कोई ना कोई बछड़ी पी लेती है। जैसे ये बछड़ी है, यहाँ पे आप देखें इसमें कितना दूध आ रहा है, अभी दूध उसका थोड़ा बहुत दूध गिरा भी था। दूध गिरने का कारण क्या है पता है, इसका दूध जो है बच्चे लोगों ने पी के दूध मिला दिया है, जो गाढ़ापन होता है उसके अंदर फर्स्ट बार वाला, वो गाढ़ापन को इन लोगों ने चाट लिया है। तो यहाँ पे आप देखें तो किसी को थनैला टाइप का नहीं है, ये बहुत शांत स्वभाव की भी गाय है, बहुत प्यारी गाय है। इसको बच्चा कितना भी लगते रहता है, कोई बच्चा जो है छोटा बच्चा यानी बछड़ी मुंह लगाता है, कोई ये भी आके मुंह लगाएगा। ये देखिए ये चाटती है, करें क्या, परेशानी है, बांध के रख नहीं सकते, चाटती है, पी नहीं पाती है, तो चाटती है तो ये पिन्हा जाती है, पिन्हाने का मीन्स थन इसका पूरा टाइट हो जाता है और इसके वजह से दिक्कत होता है। बहरहाल इसका बच्चा हम लोग दिखाएंगे आपको, 40-120 लगा हुआ है। खुद ये शीतल की है, शीतल की बछड़ी है और डेनमार्क का 5 स्टार की बछड़ी है। तो अब बारी आती है हमारी टॉपर बछड़ी की, जो काफ़ी सारे लोगों का इस बछड़ी पे एक अनुमान और एक आस लगा हुआ है इस बछड़ी पे। चलो उठो, उठ जाओ कि ये प्रेग्नेंट कब होगी। बहरहाल मैं बता दूं कि ये कंसीव 99% हम लोग कहेंगे कि कंसीव कर गई है, सिर्फ चेक कराना बाकी है। बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट माशाल्लाह इसका समथिंग 450 kg के करीब में होगा, जो कि अभी मात्र 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इसको हमने इंसेप्शन किया था 5 तारीख को पिछले, आज पूरा का पूरा 1 महीने कम्प्लीट हो गए। 5 जून को हमने किया था, 5 जून और आज 5 तारीख है। तो इसके भी ज्वाइन देख सकते हैं, सुकड़ा हुआ ही है, इसका ज्वाइन थोड़ा बड़ा है तो ये भी सुकड़ा हुआ है। कंफर्म हम लोग एक्चुअली पीडी नहीं करवा, ये देखें यहाँ से है इसका, तो ये भी सुकड़ा हुआ है, इसका फैल जाता है तो जब हीट में आती है तो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो और इसके थन बाँट की तो बात ही नहीं करनी है, इस तो पता चल जाएगा, हम लोगों को कुछ दिन इंतज़ार करना है। बहरहाल हमारी 3 बछड़ी 1 गाय हम लोग जो इंसेप्शन करवाए हैं वर्ल्ड वाइड का, वो सभी मान गई है। कौन सा आपको कंफर्म प्रेग्नेंट लग रही है, हमने पीडी नहीं कराया है, मैं आज भी बोल रहा हूँ पीडी कराने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली बछड़ियों को, इसको चेक कराएंगे फ्यूचर में। अभी
थोड़ा सा मैं उठा कर दिखाऊं, इस उठाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बॉडी वेट से भारी है, थोड़ा उठने में भी सीमेंटेड पे दिक्कत होता है। तो इसका भी ज्वाइंट सुखा, ज्वाइन इसका भी सूखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको भी हमने 6 तारीख को इंसेंशन कराया है, यानी कल इसका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फंसे हुए हैं सिर्फ एक गाय के अंदर, जो ये रेड वाली गाय है, इसको हम लोगों को बेचना जरूरी है। इसका इंसेंशन शायद 17 पिछले महीने 17 तारीख को या 14 तारीख को ऐसे ही, या 12 तारीख को, शायद 17 होगा, कन्फर्म श्योर नहीं है। इसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि प्रेगनेंट कंसीव मान जाए, मान तो, ताकि हम लोगों को जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो इसको बेचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा जो हिसाब से अगर नहीं मानती है। दूसरी उधर भैंस को देख रहे हैं, कोई भी हीट में नहीं आई है अभी, सिर्फ खाना पीना खिला रहा हूँ और पाल रहा हूँ, दूध इतना कर दे रही है कि कुछ ना कुछ उससे आ जा रहा है बहरहाल। और इस बछड़ी की बात करें तो इसकी तो बात ही अलग है, काफ़ी बढ़िया दूध में मिल्किंग, एक्चुअली मिल्क रिकॉर्ड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका बहुत सारा कारण होता है। बहरहाल कोई किसी को यकीन हो ना हो, समथिंग 21 से 22 लीटर दूध ये दोनों टाइम का निकाल रही है। मौसम जो ये अच्छा हुआ ना, लगभग 4-5 दिन से या 1 हफ्ता से करीब बारिश हो ही रही है, कार थोड़ा रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, थोड़ा हो रही है, उस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और उसके कारण मिल्किंग अच्छा हो रहा है। हमारे फार्म पे लगभग 60 लीटर दूध है, जिसका लगभग 2100-2200-2300 तक के दूध डेयरी में जो है जाता है, वो लगभग 2000 रुपये का डेयरी में दूध जा रहा है, और कुछ लोकल सेल, घर पे सेल, घर का दूध, ये सब मिलाकर लगभग 2300-2400 रुपये, समथिंग 2200 प्लस हो जाता है करीब करीब। उसमें से खर्चे भी काफ़ी हैं, जब ये भैंस का बच्चा आ जाएगा और या शीतल का बच्चा आ जाएगा, शीतल की बछड़ी की बच्चा आ जाएगी, तो हम लोग काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों काफ़ी खुशी हो रही है दिल के अंदर कि हमारी जो जिस पे हम लोगों का अरमान था, जिन बछड़ियों को हम लोग का इंतज़ार था कि ये बछड़ी कंसीव कर जाए, मान जाए, वो बछड़ी आज प्रेग्नेंट की ओर चली जा रही है, क्योंकि दोबारा हीट में नहीं आई है, तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। ज्वाइन वगैरह देखने के बाद लोगों को, हमारे फार्म पे जो पुराने लोग आते हैं, एक्सपीरियंस वाले बंदे, उनसे हम लोग दिखवाते रहते हैं, तो 99% सभी का कहना है कि कंसीव कर गई। एक तो श्योर हूँ, जो सुजीत भाई की बछड़ी है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, तो हमारी बछड़ी श्योर हो गई है 2 महीने की। अब बस उन दोनों का जो थोड़ा बहुत शक बचा हुआ है 1-2%, वो भी कुछ ही दिनों में मैं श्योर कर दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।